हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। गाइस, मैं थोड़ी देर के लिए आ गई थी छत पर, ये लेने के लिए आई थी। ये देखिए, सूख चुके हैं। ये जो आम काट के रखा था ना मैंने आमचूर पाउडर के लिए, वो 3 दिन लगे हैं उसे, जबकि इतनी तेज़ धूप है उसके बाद भी ना जल्दी से सूखा नहीं था ये, क्योंकि हल्का सा भी मॉइस्चर रह जाएगा ना तो वो पिसेगा नहीं। देखिए अभी ना कितनी ज़्यादा रोशनी है, और मैं आपको सनसेट दिखाती हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए गाइस, सनसेट हो रहा है और टाइम हुआ है 7 बज गए हैं। आज चाय पी करके आई हूँ मैं ऊपर, और अभी एकदम ढल जाएगा। आज थोड़ा सा ना बादल भी हो रखे हैं, ये देखिए हल्के हल्के बादल भी हो रखे हैं। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रखी है, कंट्रोल के बाहर है गर्मी, जो गर्मी से हाल बुरा हो रहा है। और अभी फिर जाके किचन में लगना है, तो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा टाइम से ही बना लेती हूँ खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो आज मैं बनाऊँगी भिंडी, और आज मैंने अभी भिंडी धोई भी नहीं है, और आज मैं सो गई थी सुबह से। आज मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। सबसे पहले मैं कर लेती हूँ कंघी, क्योंकि मैंने हेड वॉश किया था और आज मैंने कंघी नहीं की थी, तो मैं पहले कर लेती हूँ कंघी। और यहाँ पर किसी की मोटर चल रही है तो ये पानी भर देती हूँ मैं। देखिए इसमें पानी भर देती हूँ, पानी तो है लेकिन थोड़ा है, इसको धो करके भर देती हूँ मैं। पानी गिर ही रहा है, वैसे यूज ही हो जाएगा पानी। पूरे दिन ना गर्म ही हो जाता है पानी, इतना थोड़ा ठंडा रहेगा, और रात को तो ठंडा हो ही जाता है। चलिए सबसे पहले मैं करती हूँ कंघी, फिर चलेंगे नीचे। छत से मैं आ गई थी नीचे, और सीधा आ गई हूँ मैं अपने किचन में। तो मुझे रखना था ये, एक दो दिन पहले मैंने मक्खन निकाल के रखा था, घी नहीं बनाया था उसका, और अब बनाने के लिए रख दिया है मैंने घी, क्योंकि साथ साथ में काम होते रहेंगे। और ये निकाली है भिंडी। आज मैंने भिंडी ना पहले से धोकर के नहीं रखी थी, क्योंकि कुछ भी डिसाइड नहीं था कि क्या बनना है क्या नहीं बनेगा, तो अब सोच लिया था कि अब भिंडी ही बना लेती हूँ। तो इनको धो करके रख देती हूँ और छन्नी में रख दूँगी, और थोड़ी देर के बाद ना इसको कॉटन के कपड़े पर हवा में सुखा दूंगी, फ़ैन की हवा में अच्छे तरीके से सूख जाएगी। और जब मैं छत पर गई थी उससे पहले ही मैं अपनी चाय पी करके चली गई थी, और छत पर तो मैं ऐसे ही चली गई थी क्योंकि मुझे वो जो कच्चा आम मैंने सुखा रखा था आमचूर पाउडर बनाने के लिए, उसको लेने के लिए गई थी। लेकिन वहाँ पर देख करके ना सनसेट को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ज़्यादा छत पे जाना नहीं होता है। तो चलिए भिंडी को मैंने सुखाने के लिए रख दिया है, और अब हो गया है पूजा का टाइम, तो मैं कर लेती हूँ अपनी पूजा। शाम की पूजा मैं ही करती हूँ, अगर मैं नहीं करती हूँ तो फिर बेटा कर लेता है, और सुबह की पूजा ना हस्बैंड करके चले जाते हैं, तो मैं नहीं करती हूँ, और बस खाली अपना हाथ ही जोड़ लेती हूँ ऐसे भगवान जी के आगे, और अगर वो नहीं करते हैं ना तब मैं फिर पूजा कर लेती हूँ। और चलिए अब कर लेते हैं फटाफट से पूजा। और पूजा करने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। देखिए गाइस, किचन में ना सबसे ज़्यादा टाइम जाता है सुबह शाम, दोपहर सबसे ज़्यादा टाइम जाता है, काम झाड़ू पोछा एक ही बार होता है, लेकिन किचन में ना काम बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो बेटे की फरमाइश थी कि आज मम्मा मुझे ना सूजी का हलवा खाना है, तो मैंने सोचा चलिए बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना कभी कभी करते हैं, ज़्यादातर तो नहीं करते हैं। और एक साइड में मैंने जो बड़ी वाली कढ़ाई है ना उसके अंदर घी रखा हुआ है, ट्रांसफ़र कर दिया था छोटी कढ़ाई से, क्योंकि जब वो बॉयल होता है ना तो ऊपर की तरफ निकलने लग जाता है, फिर पूरी गैस गंदी हो जाती है, तो इसलिए मैंने बड़ी वाली कढ़ाई में डाल दिया था। और ये जो वो सूजी है, जब मैंने कंटेनर फिल किए थे ना, अपना सामान रखा था, तो उसमें से जो एक पॉलीथीन में से सूजी निकली थी लूज़ वाली, वो मैंने सुखा ली थी और ये ऐसे ही रखी थी, तो इसी को ही मैं छान करके बना लूँगी, अच्छे तरीके से ड्राई हो चुकी थी वो। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं हलवा। और सूजी को मैंने घी के अंदर, देसी घी के अंदर अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है, थोड़ा ब्राउन शेड जैसा, और जब भुन गई है उसके अंदर डाल दिया है मैंने पानी। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, और पानी डालने के बाद उसमें अच्छे से बना करके ना उसको पका करके फिर डाल दिया थी उसके अंदर चीनी, टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा और कम खाते हैं तो कम। और उसके बाद डाल दिए थे ड्राई फ्रूट्स में डाली थी किशमिश और बादाम काट लिए थे मैंने, और हल्दी के
हलवा मेरा बन के तैयार हो गया है, और हलवा बना है तो फिर भगवान जी को भोग लगना तो ज़रूर बनता है। और दूध वाला भी आ गया था इसी बीच में, तो साइड में दूध भी उबाल दिया है, क्योंकि दूध से जैसे ही नज़र हटती है ना, दूध ऐसे फटाफट से निकलता है, कहते हैं ना दूध चोर होता है। तो दूध उबालने के बाद फ्रिज में से मैं देख रही थी कि क्या क्या सामान एक्स्ट्रा रखा है, क्या रखा है, क्योंकि कभी कभी होता है ना छोटी छोटी कटोरियों में भी सामान रखा होता है, आटा वगैरह, जैसे हम थोड़ा सा आटा बच जाता है। तो वो देखने के बाद मैंने फिर काट ली थी भिंडी, और सिंपल तरीके से ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा बस दही वाली बनाऊंगी, टमाटर और हरी मिर्च डाल करके। और दो टमाटर मैंने काट लिए हैं और तीन चार ले लिए हैं, चार या पांच मैंने हरी मिर्च ली थी, क्योंकि हरी मिर्च का टेस्ट ना अच्छा आता है। और तेल के अंदर जीरा और हींग डालने के बाद मैंने डाल दिए हैं उसमें कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च, और थोड़ा सा डाल दिया था उसके अंदर नमक, क्योंकि नमक से ना अच्छे तरीके से गल जाते हैं। उसके बाद डाल दिए हैं मैंने बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, हरी मिर्च पाउडर और हल्दी, नमक, और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है नमक, और थोड़ा सा डाला था उसमें सब्जी मसाला, और उसको अच्छे थोड़ा सा पकाने के लिए मैंने डाल दिया था वो पानी डाल दिया था, और थोड़ा सा डाला था दही, क्योंकि पानी से ना जलेंगे नहीं मसाले। तो एक साइड में मैंने भिंडी को बनने के लिए रख दिया है, और वो स्लो स्लो आंच में ना बनती रहेगी, क्योंकि भिंडी में कोई पानी तो डालते नहीं है, कि अगर पानी डाल देंगे ना उसके अंदर तो वो वैसे होते हैं ना धागे, तार तार से राल जैसी वो आने लग जाती है, और उससे ना बहुत ज़्यादा घिन जैसी आती है, तो मैं नहीं बनाती हूँ उस तरीके से। और जो मैं फ्रिज के अंदर ढूंढ रही थी, तो मुझे दो कटोरी के अंदर चावल मिल गए थे जो एक दिन पहले बने थे, तो उनको मैं फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि फ्राई कर दूंगी ना तो वो खाए जाएंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने टमाटर और हरी मिर्च काट लिया था, तेल के अंदर गरम होने के बाद जीरा डाल दिया, जीरा डालने के बाद टमाटर और हरी मिर्च डाल दी, उसके अंदर डाल दिया था नमक थोड़ा सा टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए, और उसके बाद डाल दिया मैंने चावल को डाल दिया है, क्योंकि वो वैसे ही खट्टे होके रखते हैं ना, तो उसको चूरा सा बना करके डाल दिया है, और उसके ऊपर से डाल दी थी हल्की सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक, और बहुत खाने में ना गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। चावल को बनने के बाद जब फ्राई करते हैं ना तो उसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है। और उसके बाद मैंने रोटी बना ली है, और अभी अभी खाना नहीं खाया है हमने, लेकिन मैंने सोचा चलो पहले ना क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद के जो बर्तन होते हैं ना वो बहुत थोड़े से होते हैं, और इस टाइम के बर्तन, क्योंकि मैंने घी भी बनाया है, सब्जी भी बनी है, चावल भी फ्राई किए हैं, और वैसे भी बर्तन होते हैं पानी के, चाय के, ये भी बर्तन थे, शाम के बर्तन भी थे जिसमें चाय वगैरह बनी थी या चाय पी थी, वो वाले भी बर्तन थे, तो अभी ज़्यादा बर्तन हो रखे हैं। तो बर्तनों को धोने से पहले मैं कर देती हूँ अपने जो मेरा गैस स्टोव है ना, इसको क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर चिकना दो चीज़ों को मैंने तड़का लगाया है, तो उसका जो तेल तेल होता है ना वो चारों तरफ चला गया था, तो मैंने अपने गैस स्टोव को अच्छे तरीके से साबुन लगा करके साफ़ कर दिया है, जो विम बार होती है हमारी बर्तन धोने वाली साबुन, उसी से ही साफ़ कर दिया है, और अच्छे से साफ साफ़ करने के बाद अपना प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर लिया है, और अब धो लेती हूँ बर्तन। और बर्तन गाइस देखिए कितने सारे हो रखे हैं, तो मैंने इसीलिए सोचा था कि पहले ना अपने बर्तनों को क्लीन कर लेती हूँ। खाना खाने के तो कुछ ही बर्तन हो जाते हैं, 3 प्लेट 3 कटोरी ऐसे ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, तो उन बर्तनों को मैं धो लूँगी बाद में, अभी फ़िलहाल मैं यही बर्तन धो लेती हूँ। इसके बाद बस हमें खाना ही खाना है, और खाना खा के बस थोड़ा सा देखेंगे टीवी, और टीवी देखने के बाद अपना सो जाएंगे, और बस जो बर्तन होंगे उनको मैं धो दूँगी, और दूध वगैरह रखना होता है फ्रिज में, इतने सारे काम हो जाते हैं, देखना होता है बाहर क्या रखा है क्या नहीं रखा है, उन सबको रखना होता है सारे सामान को, और किचन मेरा पूरा क्लीन हो गया है, बर्तन भी धुल गए हैं। और गाइज़ आज का व्लॉग था मेरा इवनिंग टू नाइट रूटीन था, और अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।